यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करीब 7 महीने के लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं और आप देख सकते हैं हम इस समय सेंट जोसेफ स्कूल के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कक्षा 9 से 12 तक के आज स्कूल कॉलेज खुले हैं और छात्र छात्राएं जो अंदर जा रहे हैं कैसे उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन की जा रही है सभी जगह पर। कॉलेज में पहले एक गेट से एंट्री मिलती थी लेकिन अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 गेट से एंट्री दी जा रही है। फिलहाल इस कॉलेज में आज सिर्फ क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया गया है क्लासेस को और इसके बाद में 9 और 11 को बाद में ओपन किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं एक गेट से क्लास 10 के स्टूडेंट्स की एंट्री हो रही है तो एक गेट से 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्री हो रही है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जब स्टूडेंट आगे जाते हैं तो एक सैनिटाइजेशन टनल बना हुआ है, ये भी स्कूल के स्टूडेंट्स का खुद का बनाया हुआ दिख रहा है और यहाँ पर सैनिटाइजेशन टनल से स्टूडेंट्स जो हैं वो जा रहे हैं अंदर की तरफ। जो भी एहतियात है वो बरते आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट के मास्क यहाँ पर चेक किया जा रहे हैं। जो स्टाफ हम देख रहे हैं गेट पर उसने भी मास्क भी लगाए हुए हैं और साथ में फेस शील्ड भी यहाँ स्टाफ के चेहरे पर हमें साफ नज़र आ रही है आप देखें, और स्टाफ भी संख्या बढ़ा दी गई है गेट पर जिससे सभी जो रूल्स हैं जो SOP है उसको फॉलो किया जा सके। हम चलेंगे कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे यहाँ पर, कुछ अभिभावकों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं एक लंबे वक्त के बाद स्कूल आ रहे हैं। और इस सेशन की अगर बात करें तो पहली बार आज स्कूल आए हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रणय। प्रणय कौन सी क्लास में? 12th। अच्छा बताओ कि 7 महीने के बाद स्कूल आ रहे हो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है स्कूल आकर के। अच्छा लग रहा है या डर भी है कुछ? डर नहीं, डर किस बात का स्कूल आने में। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर आ रहे हो अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा किस बात का लग रहा है? सबसे अच्छा लग रहा है वापस से एजुकेशन मिलेगी, जो टीचर के साथ इंटरेक्शन रहेगा वो सबसे अच्छा लगेगा। ओके, और दोस्तों से मिलने का? दोस्तों से तो मिल जाते थे उससे भी। अच्छा मिल जाते थे। चलिए कुछ और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे स्टूडेंट एक आई हुई हैं जिन्होंने मास्क भी लगाया है, ग्लव्स भी पहने, यानी पूरी तरह से कैसे कोविड काल में सुरक्षित रखना है खुद को इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अपूर्वी सिंह। अपूर्वी कौन सी क्लास में आप? 12th। अपूर्वी ये तो कि कोरोना तो अभी चल रहा है तो ऐसे में स्कूल आने में कोई डर भी था क्योंकि वॉलंटियरली था कि आप चाहे तो आए चाहे ना आए, तो कोई डर भी था मन में? सर बेसिक डर तो यही था, पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, घर पे थे उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। स्कूल में टीचर से इंटरेक्ट होंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी, डाउट्स क्लियर होंगे हमारे, और जो नेटवर्क प्रॉब्लम्स घर पे हो रही थी वो नहीं होंगी, तो एक तरह से ठीक है स्कूल खुला हमारे। अच्छा अपने लेवल पे क्या क्या प्रिकॉशन लेके आए हो आज? जो घर वाले ने सब दिए, जैसे सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, आप खुद देख रहे हैं मास्क है हमारे पास, मोस्टली हम खुद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे ताकि। और क्या अच्छा लग रहा है अगर स्कूल आए हो तो? सब कुछ नॉर्मल फील हो रहा है। दोस्तों से मिलने की ज्यादा खुशी, टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, लाइव इंटरेक्ट करेंगे तो एक अलग ही एक्साइटमेंट है, चीजें और समझ में आएंगी अच्छे से। दोस्तों से मिलने की भी खुशी, पता नहीं कितने आए। अब ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा आप लोग को कि ऐसा ना हो कि ग्रुप में बैठ जाओ आप। हाँ इसीलिए तो पेरेंट्स ज्यादा घबराए थे कि सब ना करें। अब डर दूर है। हाँ आप देखिए यहाँ पर और कुछ पेरेंट्स भी हमें नजर आ रहे हैं, हम उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस टाइम पर जबकि सहमति से बच्चों को भेजा था उन्होंने अपने बच्चों को भेजने पे हामी भरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप वर्मा। अनूप जी आपका इस जो बच्चा है वो यहाँ कौन सी क्लास में है, क्या नाम है? ये 9th A में है, यशी वर्मा मेरी बेटी है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि अब जैसे स्कूल खुल गए हैं और यहाँ पर आप बता रहे हैं 9th में, अभी 9th के तो स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं, 9th की हाई स्कूल है, सॉरी हाई स्कूल 10th। अच्छा ये बताइए कि जैसे पूछा गया कि आप बच्चों को भेजना चाहते हैं या नहीं, तो क्या मन में कोई डर भी था या बिल्कुल बेफिक्र होकर? डर तो बना ही रहता है मगर नियमानुसार अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी आपने देखा ये बच्चे बाहर जो मेन गेट पे थे वो सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं था सिस्टम, उनके कर्मचारी सब अंदर हैं, ये गलत है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, बच्चे को दूर गोला बनाना चाहिए जी, कोई गोला नहीं बना है, बस यही 2 गोला बने थे। आपका नाम? मेरा नाम नजमुल हसन है। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? जी हाँ 12th क्लास में है मेरा बेटा। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं से गोले और सोशल डिस्टेंसिंग? हाँ अब सब डे 1 है, पहला दिन है, स्टार्ट किया है तो किसी चीज को
उसमें आने के लिए, पटरी पे आने के लिए तो एक दो दिन ऐसे भी लग जाते हैं। फिलहाल एफर्ट्स तो पूरे कर रहे हैं मिस्टर अग्रवाल जो है। अभी क्या बच्चों की सेफ्टी को लेकर कोई डर तो नहीं? देखिए डर तो हमेशा से जब तक कोरोना शुरू हुआ है और जब तक ख़त्म नहीं होगा डर बना रहेगा, और तब तक इसको सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह 100% फॉलो करना पड़ेगा और कराना पड़ेगा बच्चों को। बहरहाल मतलब बच्चों को पूरा ट्रेन करके भेजा है कैसे बचना है। हाँ हाँ पूरा बताया है कि कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, इवन पेन और कापी किताब तक भी एक्सचेंज करने से बचें बच्चे, हाँ कॉन्टैक्ट ना हो पाए। यह है बच्चों को समझाया जा रहा है, बच्चे कर भी रहे हैं लेकिन उनके बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, तो बड़ों को तो कंटिन्यू उनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। बहरहाल यहाँ पर जो हम तैयारी देख रहे हैं आप कितना संतुष्ट हैं अभी? मैं काफ़ी तो संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी इसमें और सुधार किया जा सकता है। अब जैसे बच्चे यहाँ पे खड़े थे तो एक एक मीटर की दूरी पे थे, तो अगर बच्चों को जैसे ये गोले बने हैं दो 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 मीटर ढाई मीटर होगा, तो ऐसे यहाँ से लेकर वहाँ तक बना दें तो दूर से, अब वो बाहर उधर पीछे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं या पास में खड़े हैं, और यहाँ आके दूर हो गए तो फिर वो। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छा। हमने स्टूडेंट्स की बात सुनी, हमने पेरेंट्स की बात सुनी, अब हम जो स्कूल मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी बात भी सुनेंगे, उनसे भी जानेंगे। सर आपसे बात करना चाहेंगे प्लीज। जी, जी। हमारे साथ में अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं जो इस स्कूल के ओनर भी हैं और अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उनसे ही बात करें। अनिल जी काफ़ी तैयारी हम देख रहे हैं अच्छी है, पेरेंट्स की तरफ से कुछ सुझाव है कि जैसे ये यहाँ गोले बने अगर पीछे तक बने हो तो अच्छा होगा, दूसरा बच्चे पीछे की तरफ हैंडशेक भी कर रहे हैं सब कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे तो डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी, पीछे कैसे करेंगे, तो क्या आप कहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए हमने अपने आप वैसे भी पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया हुआ है कि वो आए स्कूल के अंदर देखें, हम लोगों ने जो प्रयास करें हो सकता है उसमें कोई छोटी मोटी कमी रह गई हो, और बच्चों के लिए हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को गाइडेंस और काउंसलिंग करके भेजना पड़ेगा कि वो आपस में एक दूसरे से ना इंटरेक्ट करें, ना मिलें, बात करें लेकिन क्लोज ना आए। और क्या कुछ और स्टाफ यहाँ पर बढ़ाएंगे जिससे और बेहतर? अभी अभी जैसा आपने बताया तो तुरंत हम लोग इस पर करेंगे, और हमारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिल्डिंग के बाहर भी कुछ लोगों को हम लोग डिप्यूट करेंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों में हम लोगों को प्रिकॉशंस ज्यादा लेने। सेकेंडली अगर आप अंदर चलेंगे तो अंदर आप देखेंगे उस गेट से लेके यहाँ तक में प्रॉपर सर्कल्स बने हुए, तो अंदर तो आने के बाद डिस्टेंसिंग प्रॉपर है, बाहर हम लोग उस दूरी तक यहाँ पर और बनवा देंगे। जी जी ओके। अच्छा ये बताएं, हम देख रहे हैं यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग है, आगे सैनिटाइजेशन टनल है, क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं यहाँ पर, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए अभी ये जो सैनिटाइजेशन टनल जिसके पास आपको अभी हम लेके चलेंगे, ये सैनिटाइजेशन टनल बच्चों की खुद की बनाई हुई है, ये सेंसर बेस है, इसकी क्रिएटिविटी, इसका इनोवेशन सारा बच्चों का है। जिन गोलों की देखिए मैं बात कर रहा था वो गोले, ये सारे देखिए आप उस गेट से जो एंट्री है वो सारे यहाँ से यहाँ तक, तो इतने बच्चों का हम लोगों ने किया है। लेकिन जैसा कि सुझाव मिला, मैंने कहा कि पेरेंट्स से जो हमारी बातचीत हुई है, हमारे यहाँ कुछ पेरेंट्स ड्यूरिंग क्लासेस भी उनको इन्वाइट किया हुआ है कि वो आए देखें, यदि कोई कमी मिलती है तो उस पर अपना सुझाव दें और विद्यालय उस पर अमल करेगा। आप देख सकते हैं जितने टीचर्स हैं सब अपनी ड्यूटीज पर, जो चार्टिंग के लिए कहा गया, नोट करने के लिए कहा गया, अभी पल्स ऑक्सीमीटर से क्लासरूम के अंदर उनका SpO2 लेवल वगैरह लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मास्क यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अगर कोई बिना मास्क आता है तो यहीं पर उसको मास्क प्रोवाइड किया जाए। थर्मल स्क्रीनिंग हमने पहले भी दिखाई, ये सर एक लिस्ट हम देख रहे हैं, इसमें क्या आप लोग? ये जो बच्चे आ रहे हैं इनका टेम्परेचर नोट हो रहा है, जिनका टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तुरंत उनको अलग से बात करी जाएगी, और प्रॉपर यही सेम लिस्ट क्लासरूम के अंदर आपको मिलेगी जहां पर टीचर्स SpO2 लेवल जो इनका लेने के लिए कहा गया है वो लिया जाएगा और उसकी रेटिंग नोट होगी। ये प्रोसेस हमारा कॉन्स्टेंट कुछ दिनों तक चलता रहेगा, थर्मल स्कैनिंग तो चलती रहेगी, और 15-20 दिन जैसे बीतेंगे तो बच्चे अपने आप इन चीजों के लिए इम्यून और ट्यून हो जाएंगे। क्लास 9 और 11 कब से बुलाएंगे? वो 26 तारीख मंडे से शुरू होगी, क्योंकि दशहरा का ब्रेक है, 4 दिन का भी स्कूल चलना है, मंडे ट्यून भी एक तरह से ट्रायल के बेस पे देखा जा सकेगा सब चीजों को। आई विल नॉट से इट्स अ ट्रायल, आई एम कंप्लीटली आई कैन से एंड यू कैन टॉक टू एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, आप हमारे विद्यालय के किसी भी बच्चे से बात करिए, आई एम वेरी श्योर कि वो खुशी खुशी स्कूल आए हैं और उनके पेरेंट्स ने भी उनको खुशी खुशी स्कूल भेजा है, बिकॉज दे हैव ट्रस्ट कि सेंट जोसेफ के ऊपर उन्हें पूरा विश्वास है, यहाँ के टीचर्स के ऊपर पूरा विश्वास है। तो हमने देखा यहाँ पर किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह से स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, जो पेरेंट्स आ रहे हैं, कुछ चिंता जरूर है, कुछ सुझाव है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि उन पेरेंट्स को वैसे भी इनवाइट किया गया है कि जाहिर है कुछ कमी अगर उन्हें दिखती है तो बताएं, उसे भी दूर किया जाएगा। बहरहाल अभी पहला दिन है
आज पहली क्लास है, तैयारियां काफी अच्छी नजर आ रही हैं। आने वाला बताएगा कि इन तैयारियों को कितना मेंटेन करके चलते हैं और क्या सारे स्कूल इसी तरह से चीजों को मेंटेन करेंगे या नहीं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।